नमस्कार दोस्तों, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे 8.1 और यहाँ से वीडियो मेरे चैनल पर रेगुलर आती रहेंगी। तो स्टार्ट करते हैं। इसको आपको इस तरीके से पढ़ाया जाएगा जिस तरीके से आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, बोले तो अगर समझोगे, मतलब इस तरीके से समझाऊंगा कि अगर एक बार आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया, मेरी गारंटी है कि 8.1 अगर आपको समझ में ना आए तो फिर मेरे को कह देना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। मैं हर एक क्वेश्चन को ना स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, कोशिश करेंगे आज 8.1 पूरी ख़त्म कर दी जाए, ठीक है। तो हिंदी मीडियम का चैप्टर है ये, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। अच्छा, साउंड के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, दिवाली का नेक्स्ट डे है इसलिए थोड़ा सा साउंड रहेगा, ठीक है। तो कहता है ट्राइंगल मतलब त्रिभुज ABC में जिसका बी जो है वो समकोण है, ठीक है, जिसका बी समकोण है, और कहता है AB जो है वो 24 सेंटीमीटर और BC जो है वो 7 सेंटीमीटर है, तो हमको ज्ञात करना है साइन ए कॉज ए साइन सी कॉज सी। अब कहोगे सर पहले तो समझाया नहीं ये सारा का सारा, अब एकदम से कैसे करा दोगे, तो बिल्कुल वीडियो देखते जाओ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, तो स्टार्ट करते हैं। देखो हमें कह रखा था AB 24 है, BC 7 सेंटीमीटर है, B समकोण है, साइन ए कॉज ए साइन सी कॉज सी फाइंड करना है, ठीक है। तो जैसे मैं आपको कहूँगा ना इस तरह क्वेश्चन करने को, 8.1 के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे। सबसे पहले आपको एक समकोण त्रिभुज बना लेना है, ठीक है। 8.1 का कोई सा भी क्वेश्चन कर रहा हो, ठीक है, वहाँ पे समकोण त्रिभुज ना हो ऐसा नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाओ। अब ये समकोण त्रिभुज कैसा दिखता है, तो समकोण त्रिभुज होता है ऐसा। और एक चीज़ और बच्चों, आपको ना समकोण त्रिभुज देख के याद आ जाना चाहिए, समकोण त्रिभुज देख के ये याद आ जाना चाहिए कि समकोण त्रिभुज में एक प्रमेय लगती है जिसको कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। सातवीं क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, याद करवा देंगे। कहता है AB, देखो B उसने पहले ही कहा है समकोण है, तो हम B को समकोण लिख लेते हैं, ठीक है। अब कोई सा भी A हो सकता है, मैं इसको A मान लूँगा, इसको C मान लूँगा, ओके, ठीक है। अच्छा, अब उसने कहा AB जो है वो 24 है, AB को 24 लिख लेते हैं, BC जो है वो 7 सेंटीमीटर है, BC को भाई 7 लिख लेते हैं। जो क्वेश्चन में कहा, देखो मैथ ना इजी होती है, जो कह रहा है वो करते जाओ बस, ठीक है। अब मुझे पता है एक बात और याद रखना, ज़िंदगी में हमेशा जहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल का इस्तेमाल होगा, जहाँ पे समकोण त्रिभुज बोलेगा, वहाँ पे हमेशा, ठीक है, वहाँ पे हमेशा पाइथागोरस प्रमेय लिखेगी। पाइथागोरस प्रमेय होती क्या थी, देखो हिंदी मेरी थोड़ी है ख़राब, ठीक है, तो थोड़ा हो सकता है मात्राओं की गड़बड़ होगी, उसको माइंड मत करना, वीडियो को देखते रहो, मैथ समझनी है, हिंदी नहीं करनी है, ठीक है। ये होता है कर्ण का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, फिर ये होता है लंब का स्क्वायर, फिर ये होता है आधार का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय के लिए देखो, जब भी 8.1 करोगे सबसे पहले जो साइड मिसिंग होगी वो फाइंड करनी है। मिसिंग कौन सी है, देखो हमेशा जो होता है कर्ण फिक्स होता है, ये तिरछी वाली लाइन जो होती है ना हमेशा कर्ण होती है। इस बात में आपको कन्फ्यूजन कभी नहीं होना चाहिए कि इसमें कर्ण कौन सा है, कर्ण हमेशा पता रखो, हमेशा तिरछी वाली लाइन कर्ण है, तो इसका मतलब कर्ण ही नहीं दे रखा है, ठीक है। लंब कोई सा भी हो सकता है, आधार कोई सा भी हो सकता है, वो देखने पर डिपेंड करता है। अभी आपको बताते हैं कैसे लंब कौन सा होगा। मैं कोई सा भी लंब मान सकता हूँ, मैं 24 को लंब मानता हूँ। देखो मुझे पता है खड़ी वाली लाइन को आप कह रहे होगे लंब कहते थे, पर इस चैप्टर में ऐसा नहीं है। अभी बताते हैं कैसे, आधार की जगह पर क्या रख दो, 7 रख दो, ठीक है। ये समझ में आया इतना। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर होता है 576, ठीक है। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, ये दोनों जोड़ के कितना होगा, 625, ठीक है, 625। कर्ण के ऊपर स्क्वायर था, इसके ऊपर रूट आ जाएगा, वहाँ से स्क्वायर हटेगा, तो अब 625 किसका होता है, 25 का। इसका मतलब क्या हुआ, ये कर्ण यानी कि AC कितना आया तुम्हारा, 25 आ गया, ठीक है। AC कितना आया, 25 आ गया, ओके, AC हमारा 25 आ गया। जब भी सबसे पहला स्टेप 8.1 कर रहे हो ना, 8.1 में एक साइड हमेशा मिसिंग देगा, ठीक है, और हमेशा समकोण त्रिभुज देगा। पहले तो समकोण त्रिभुज की थर्ड साइड ही फाइंड करना, साइन कॉस को छोड़ दो, ठीक है। अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पे, साइन ए कॉस ए कैसे निकालते हैं, ठीक है, तो देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो हमें ये फाइंड करना है साइन ए। अब देखो सबसे पहले देखो ए को छोड़ो, साइन ए के सामने उसका फॉर्मूला लिख लो, ठीक है। फॉर्मूला उसका होता है लंब बटे में कर्ण, चलो ठीक है, लंब बटे में कर्ण फॉर्मूला होता है, ओके। अब एक चीज़ ध्यान दो, उसने स्पेशली मेंशन कर रखा है आपको ना साइन ए फाइंड करना है। साइन ए फाइंड करने का क्या मतलब है, इसका मतलब यह है, ए के पास चले जाओ, ए कहाँ है, ये रहा, ठीक है।
देखो, ए पे सपोज करो आप खड़े हो, उसके जो सामने वाला होगा, उसके जो सामने वाला हमेशा लंबा होगा। अगर सी पे खड़े होगे तो यहाँ से सामने क्या पड़ता है, 24, तो इसका मतलब ये लंबे सी से। ए से लंबा क्या पड़ता है, 7, तो सामने वाला जो होगा वो लंबा होगा, तो ए से सामने क्या पड़ रहा है, 7। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, 7। कर्ण हमेशा सेम रहता है, कर्ण चाहे कहीं से भी देख लो, तिरछी वाली लाइन कहीं नहीं बदलने की, तो उसका क्या रहेगा, ये 25 है, मैंने 24 लिख दिया, सॉरी, ये 25 है। ओके ठीक है, तो यहाँ पे 25 लिख देते हैं, ये समझ में आया। अब आते हैं किस पे, कॉज सी, कॉज सी, सॉरी कॉज ए फाइंड करना है, सी लिख दिया मैंने ए। अब कॉस ए मतलब देखना कहाँ से है, ए बोला है ना उसने, स्पेशली क्या बोला, ए से बोला है, तो ए से देखो, ए से अगर सामने लंब पड़ता है तो आधार कौन सा होगा, यही वाला होगा, क्योंकि कर्ण तो हमेशा फिक्स है। तो देखो इसका फॉर्मूला लिख लो, इसका फॉर्मूला होता है आधार बटे में कर्ण, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है आधार बटे में कर्ण। अब आधार क्या है, अब ए से अगर सामने लंब पड़ता है तो आधार, जाहिर सी बात है 24 होगा, है ना, 24 ही होगा, ये तो कर्ण हमेशा फिक्स है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 24, ठीक है, ये 24 हो जाएगा आपका, और जो कर्ण है वो कितना होगा 25, कर्ण हमेशा फिक्स रहता है। तो इस तरीके से आपको आंसर निकालना है, साइन सी कॉस सी, मैं तुम पे छोड़ता हूँ आंसर निकालने के लिए। अगर वीडियो समझ में आ गई तो लाइक करो, और इसका जरा आंसर फाइंड करके बताओ, ठीक है, ओके। अगर 10 लाइक आ गए कल तक में, तो मैं इसकी अगली वीडियो बना दूंगा, ठीक है, तो यहीं पे इस वीडियो को एंड करते हैं, पूरी एक्सरसाइज पूरी होगी, चिंता मत करो, बस 10 लाइक दे दो बस।